क्या कुंडली बनी है तेरी, शुक्र महादशा। रुक जाइए, तुमने किसको रोकना बताया? मैं इस घर का होने वाला दामाद हो जाओगे, उसके बाद भी चेक करेंगे। ओ, अरे भाई अंदर कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी है क्या? जनरली यहाँ पर ऐसे ही लोग आते हैं। मजाक कॉमेडी, क्या बात है दोनों। ओके ओके, तो ऐसे चल बसे थे। सॉरी, एक्चुअली मुझे तुम्हें बुलाने का पर्पस ही अलग था, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, इसलिए तुम्हें जिंदा वापस छोड़ रहा हूँ। सुनो, मेरी बेटी की शादी होने तक इंडिया छोड़ दो। क्या सर, वार्निंग दे रहे हो? ऑर्डर ऑर्डर है तो इस देश को ही क्या, इस शहर को भी छोड़ कर नहीं जाऊंगा। आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैंने फैसला कर लिया। तुम किससे क्या बोल रहे हो पता भी है? एक सिग्नल दूंगा तो शरीर में सैकड़ों गोलियां पड़ जाएंगी। हाँ दीजिए ना। 5 साल से सत्ता में रहने वाला सीएम हूँ मैं। 100 सालों से सत्ता में रह रहा सीएम हूँ मैं, कॉमन मैन, वोट पावर। मैं चाहूँ तो 1 घंटे में हवा में गायब हो जाऊँ। 1 घंटा नहीं, 24 घंटों का टाइम दे रहा हूँ। जितनी तरह से चाहते हो उतनी तरह से कोशिश करो। आपकी हेकड़ी है, तुम फेमस हो गए हो या सेलिब्रिटी हो गए हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी करो प्रेस मीडिया पीछे पड़ जाएगी, ये सोचते हो? मैं सपोर्ट लेकर ऊपर आने वालों में से नहीं हूँ, खुद के दम पर ऊपर आया हूँ। सुसाइड नोट, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ ये लिख कर दिया है मैंने। इंसानों का इस्तेमाल करो या शैतानों को बुला लो, दिमाग का इस्तेमाल करो या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, तुम्हारी मर्जी। 24 आवर्स सीएम वर्सेस सीएम, कोशिश कर लो। चौबीस घंटों के अंदर मैंने मेरे हाथ रंगे बिना तुम्हें नहीं मरवाया तो अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करवा दूंगा। मेरी शुक्र महादशा सालसा डांस कर रही है, यूँ खिलवाड़ मत करो, एक बार सोच कर देख लो। मुझे नहीं तुम्हें सोचना है कि इस कंपाउंड को कैसे पार करो। जनरली मीडिया बात करे तो हम कानों से सुनते हैं, लेकिन जब कान में ही मीडिया हो तो कैमरा लगा कर रहे हो। शेर का शिकार बन जाओ, मैं बलि का बकरा नहीं हूँ, मैं शेर का शिकार करता हूँ। इंटेलिजेंट सेक्रेटरी सुरेश कुमार, टेक केयर ऑफ ससुर जी। ससुर जी, सी यू आफ्टर 24 आवर्स। ससुर जी, कीप दिस। उठाओ सर कैमरा। सर ये कोई कैमरा वैमरा नहीं है सर, वो तो आपको बेवकूफ बना गया। उसकी तो मैं पछड़ा नहीं चाहिए। We'll be right back.
मॉर्निंग सर। मेरी जिंदगी में अंदर तक घुस चुके हो, बस चेयर पर कोने पर क्यों बैठ जाते हो? इज्जत करता हूँ ससुर जी की इज्जत, रिस्पेक्ट। हाँ, रिस्पेक्ट। आपका पेपर वेट भी कुर्सी है, आपको शायद पावर में रहना बहुत पसंद है। क्या ये? आप ही ने लिख कर दिया था, आपकी बात के मुताबिक आप अपनी बेटी मुझे सौंप देंगे, मैं उसे घर ले जाऊंगा, सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। एक मिनट मेरी जगह पर आकर सोच कर देखो यार, तुम जैसे को मैं अपनी बेटी कैसे सौंप सकता हूँ? गुस्से में लेटर लिखने से पहले सोचना चाहिए था, मैंने कहा था ना शुक्र महादशा डांसिंग। देखो गोवा के पास बीच समंदर में मेरे पास एक आइलैंड है, 200 एकर्स काफी होगा। मीरा को भूल जाओ। मीरा के बगैर आइलैंड किस काम का? शमशाबाद एयरपोर्ट के पीछे 300 एकड़ जमीन है। मीरा के बिना वो जमीन किस काम की? ओके, तो फिर 500 करोड़ लिक्विड दूंगा, लाइफ टाइम सेटलमेंट। तो मीरा किस काम की? ठीक सुना आपने, 500 करोड़ लिक्विड कैश, सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने अभी जो फिगर बताई, मीरा की फिगर कुछ नहीं है सर। एक दिन तो आपसे मैं पंगा ले सकता हूँ, पर मुझसे रोज रोज तो नहीं हो सकता ना। जल्दी कीजिए सर, मुझे खरीद लीजिए। तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है इसमें? तुम सचमुच मान गए हो? और क्या सर, आपका दिया ऑफर पसंद आया कह रहा हूँ तो आप फिर से कंफ्यूज कर रहे हो। सर हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, वो अपना मन बदल ले उसे पहले डील शामिल कर दीजिए। कर दीजिए सर। बाप, इतने पैसे तो मैंने सपने में भी नहीं देखे थे। मेरे वॉलेट में तो कभी 5,000 भी साथ में नहीं आए थे, और ये 500 करोड़। मेरे गांव तक थोड़ा ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर देंगे, एम्बुलेंस होगी तो किसी को शक नहीं होगा। अब बताओ तुम्हारा प्यार कैसा है? आकाश आकाश की तरह है, वहाँ पर बादल मिलेंगे, बिजलियाँ कड़केंगी, मौसम बदलेंगे बोल रही थी ना, लेकिन वहाँ अंधेरा भी होता है बेटी, और ये उसी अंधेरे जैसा है। वाह, तुम तो कमाल के निकले, तुमने मेरे लिए इसको छोड़ दिया और फिर पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया, कल इन सबको भी छोड़ दोगे? मैं अपने डैड की तरह हूँ, डैड की तरह हूँ ये कहते थे ना, सच में तुम अपने डैड की तरह ही हो, अब समझ में आया। उन्होंने सेवा के नाम पर जैसे लोगों को धोखा दिया, तुमने वैसे ही प्यार के नाम पर हम दोनों को धोखा दिया। अब बस करो।